शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। हमको तो तुम पर पहले दिन से शक था। इन बुरी आंखों ने पहले से ही तुम्हारी मक्कारी देखी थी। रुक जा, तुम्हारा तमाशा ही खत्म कर देते हैं आज। हमने तुम्हें अपना बेटा माना, अपनी बेटी जैसी बहू श्रवणी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा था, और तुम? खबरदार रोहन, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया सर फोड़ दीजिए तुम्हारा। मां चलो। मां, इसमें आपकी गलती नहीं है, अच्छे लोग दूसरों में अच्छा ही देखते हैं। अम्मा, आप गोली चलाइए। हार गए, हम हार मानते हैं। बंदूक देखकर हार मान गए बबुआ? हम सोचते थे कि शबनी उसी रोहन की इज्जत करती है जिसने कभी उसके लिए गोली खाई थी। काश हमें वो बचपन वाली मासूमियत आज भी होती तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। शबनी हमारे साथ होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बहुत धान बोया है तुमने हमारे परिवार में, तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे हम। रुकिए मां, छोड़ दो। इसने हमारे परिवार को बहुत तंग किया है। क्या करें अम्मा, छोड़िए, मशरूफ़ हटाइए इसे। और तुम रोहन, तुम कहते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन किससे प्यार करना है किससे नहीं हमारे दिल के बस में नहीं होता। हमारे हिस्से का प्यार हम शिवान से कर चुके हैं। हमने तुमसे कहा था, कई बार कहा, कई बार बताया, लेकिन तुम नहीं समझे। अब समझ गए शबनी, तुम्हें पाने की जिद में अंधे हो गए, इसलिए ना जाने क्या क्या कर बैठे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब समझ गए। प्लीज माफ कर दो रोहन, हमको भी तुम माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। नहीं शिवांश, दरअसल वो हमारी सोची समझी साजिश थी। हम जानते थे किडनी का सच जानने के बाद तुम हमारे पीछे जरूर आओगे। हम कसम खा के कह रहे हैं, उसे मारना नहीं चाहते थे, हम बस उसको डरा रहे थे। गलती गलती हमारी है। सोचा था कि हम जीते जीते तुम दोनों को अलग नहीं कर सके, तो मरने का ढोंग कर लेते। तुम पर मौत का इल्जाम लग जाएगा तो श्रवणी तुमसे नफरत करने लगी। और देखो ना, हम यहां भी कामयाब नहीं हैं। लेकिन ये सबको अपनी आवाज सुनाना, शिवांश को बार बार डराना, ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकते। किसने मदद की तुम्हारी? तुम्हारी बरसी वाले दिन तुम्हारी वो तस्वीर किसने तोड़ी? बोलो, किसने मदद की तुम्हारी? श्रवणी, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही आस्तीन का साथ है, चंद्रा।
मम्मी 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 कहाँ गई? भागकर कहाँ जाएगी नागिन? वंश तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अम्मा जी, शवनी का बच्चा गिराने की प्लानिंग और हमारा शिवांश और शवनी की शादी में जहर घोलने के पीछे मास्टरमाइंड चंद्रा ही थी। उसी ने हमें भड़काया था और कहा था कि अगर शिवांश को शवनी से हमेशा के लिए अलग करना है तो उसे शवनी को मारने की धमकी दो, क्योंकि शिवांश शवनी से इतना प्यार करता है कि वो खुद मर जाएगा पर शवनी को एक आंच नहीं आने देगा। शवनी, जब तक चंद्रा है वो तुम दोनों को खुश नहीं रहने देगी। आज एक बहुत अच्छा सबक हमें भी मिला है। कहते हैं कि लोगों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो लोग बार बार डसे उनको बार बार मौका देना, इसका मतलब है कि आप खुद के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। चंद्रा को इस घर में रहने देना ही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, अब हम लोग उसे कोई मौका नहीं देंगे, ना इस घर में और ना तुम दोनों की जिंदगी में। वादा करते हैं आप कभी कोई परेशानी नहीं लाएंगे। आप सबसे माफी मांगते हैं। ठीक है पंडित जी, अब माता रानी के आशीर्वाद से विवाह की विधि संपन्न कीजिए। हमेशा खुश रहो। श्रवणी, हमारा घर फूंक के तुम्हारा घर बसने देंगे हम? सड़क से उठाकर तुम्हें हमने अपनी हवेली में जगह दी और तुमने क्या किया हमारे साथ? हमारे सारे रिश्ते छीन लिए। गलत। सच तो ये है कि आज तक आपने हमें कोई जगह दी ही नहीं, ना घर में ना दिल में। आज तक आपने हमें अपना ही नहीं। हमारे सर पे हाथ फेरती तो पता चलता, लेकिन आज तक आपने हमारे सर पे हाथ तक नहीं फेरा। अगर किया होता ना तो आज आपको ये सब षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं पड़ती। ताई जी, कभी प्यार से दुलारा नहीं, वरना हम खुद आपके आगे सर झुका लेते। ताई जी, कितने मौके दिए हमने आपको, कितने मौके, यहाँ तक कि आपने हमारे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम आपको माफ नहीं करेंगे। जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, माफी नहीं मांगता। आपके पास बंदूक है और हमारे पास हमारा परिवार। आज भी आपकी होगी ताई जी। आज ना ये परिवार काम आएगा और ना ये प्यार। आए कि आज श्रवणी का अंत होगा चंद्रा के हाथ। ताई जी बोलती हो ना, तो आज तुम्हारी ताई जी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगी, क्योंकि आज तो तुम्हें मरना है शर्वनी। चलो बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सिर्फ एक ख्वाहिश, सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं
आखिर इतनी नफरत क्यों करती हैं आप हमसे? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने हमारे साथ क्या किया? हाँ, मानते हैं हमने भानु जी से उनकी धन दौलत के लिए शादी की, लेकिन ईश्वर साक्षी है, ये माता साक्षी है कि हमने बेइंतहा प्यार किया उन्हें और उन्होंने हमको अपनी पलकों पे बैठा के रखा, लेकिन तुम्हारे बाप ने हमारा अपमान किया और फिर तुम आ गई हमारी जिंदगी में और तुमने एक एक करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा मान सम्मान, हमारा राजपाट, हमारी ऐठ, सब कुछ। ले हमें हमारे बच्चों की नजरों में गिराया और उसके बाद हमें हमारे पति की नजरों में। जानू की वजह से तुम इस घर में थी, हमने तुम्हें माफ कर दिया था, तुम इसी घर में रही। बानू जी, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हें देखते हैं ना तो हमारा खून खौलता है। सारी नफरत आप ही की थी ताई जी, इस आग में हमें जलाते जलाते आप खुद भी सुलग रही हैं। हाँ सुलग रहे हैं, और तब तक सुलगेंगे जब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब कर देते। तुम्हारा बच्चा हाँ हमने गिराने की कोशिश की ताकि तुम दोनों साथ ना रह सको, और हमने मोहरा बनाया स्वीटी और इस लड़के को, लेकिन दोनों के दोनों ही बेकार निकले। तुम्हारी पढ़ाई हमने रुकवानी चाहिए, इसको पट्टी पढ़ाई ताकि ये तुम्हें अमेरिका जाने से रोके। यहां तक कि हमने स्वीटी से कहा कि कहो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, लेकिन का करे हमारी किस्मत ही खराब थी कि हमारी थाली में छेद निकला। कहे कि इससे मोहब्बत कर जो बेटी, अपनी बेवकूफ बेटी और एक कमजोर खिलाड़ी की वजह से हमारा खेल वहीं रुक गया। इसीलिए तो आज हमने खुद अपने हाथों में जिम्मा लिया तुम्हें मारने का। कहे कि आज कोई गलती की गुंजाइश रहेगी नहीं। बस बहुत हो गया, अब श्रवणी कोई त्याग नहीं करेगी, लेकिन अब उसके सामने ढाल बनकर उसका पति खड़ा है। बढ़ के ठकुराइन, चलाओ गोली। शिवांशी ठीक नहीं हटी आप। नहीं श्रवणी, ये ठीक कह रही है, नफरत का ये खेल आज यही खत्म करेंगे, चलाइए गोली। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है, हमें तो इसको खत्म करना है। हट जाओ हमारे रास्ते से। शिवांश बेटी हट जाओ यहाँ से। शिवांश, मम्मी मम्मी ये सब क्या कर रहे हो आप? रुक जाओ। शिवांश शिवांश बेटी शिवांश बेटी चलाइए गोली। आज हम भी देखना चाहते हैं कैसे इनकी गोली एक माँ के कलेजे को चीरती हुई उसके बच्चों तक पहुँचती है। माँ क्या कर रही आप? हट जाइए। बड़की ठकुराइन, वैसे तुम समझोगी नहीं, लेकिन हम समझाए देते हैं। हमारे यहाँ एक रीत है, बाहर से जब भी कोई खाना आता है ना, तो सबसे पहले बड़ों को परोसा जाता है ताकि उसमें जहर हो तो बच्चों पर ना आए। आज वही जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। बुढ़िया के होते हुए उसके बच्चों तक नहीं पहुंच पाओगी। चलाओ गोली। और सिर्फ यही नहीं है, हम भी हैं। आपके साथ मिलकर जो गलत काम किए हैं, कम से कम इस बंदूक से गोली खाकर उसका पश्चाताप तो कर सकते हैं। चलाइए गोली। तुम सबके सब मर गए, सबके सब। चलाइए गोली, हम अभी भी बाकी हैं। पहली गोली तो आपको हम पर चलानी पड़ेगी। स्वीटी, जिंदगी में पहली बार हम अपनी नजरों में उठे हैं, हम अपनी नजरों में गिरने नहीं वाले हैं। आपको गिराना है ना, तो गिराइए, बेशक हमारी लाश गिराइए। स्वीटी, तू किनारे हट, हट किनारे। दीदी ने बहुत प्यार से हमें जिंदगी के मतलब सिखाए, हम उन्हें आपकी बलि नहीं चढ़ने देंगे। क्या आपकी नफरत
खून बहा करे मुझे, क्यों ऐसा कर रही है मम्मी? माँ चाहिए ना, दीदी का दिल बहुत बड़ा है मम्मी। एक बार सर झुकाकर दीदी से माफी मांग के देखिए ना, हम कह रहे हैं वो आपको माफ कर देगी। हम माफी मांगेंगे इससे। चंद्रा मर जाएगी लेकिन कभी किसी से माफी नहीं मांगेगी, और वो भी श्रवणी से कभी नहीं। स्वीटी तुम पीछे हट, स्वीटी तुम पीछे हट। आपकी बंदूक में इतनी गोली नहीं कि आप सबको मार सके। ये सोचिए जो लोग बच गए तो आपका क्या होगा। डरो तो तुम सब, काहे की बंदूक हमारे हाथ में। तो आप सोच क्या रही हो, चलाइए गोली, चलाइए गोली, चलाइए गोली। स्वीटी गोली, स्वीटी हट, चलाइए गोली, चलाइए ना। ताई जी अभी भी वक्त, संभल जाइए, नफरत ने आपसे सब कुछ छीन लिया। स्वीटी एक बार प्यार करके देखी, शायद आपको परिवार मिल जाए। चलाइए, चलाइए गोली, स्वीटी हट, चलाइए गोली, स्वीटी हट हमारे रास्ते से। ताई जी बड़की नगरान, मम्मी ऐसे कराहट जब तुम्हारे पैर में घुंघरू चुभेंगे ना नाचते नाचते, के लिए ना हमारा दिल बेचैन हो रहा है श्रवणी। इसकी सजा ये है कि अगले 24 घंटे तक तुम हमारी बेटी की चाकरी करोगी। आप उसका बच्चा गिरा दीजिए। चुपचाप मंदिर में शिवांश के साथ शादी कर।
अरे हमारी लक्ष्मी आ गई। दुल्हन लक्ष्मी को गृह प्रवेश करवाओ। जी अम्मा। किसी की नजर ना लगे। देखो वसुधा हमारे लक्ष्मी के चेहरे पे कैसी आभा है। सब कितने खुश है ना। बताइए। अरे भैया बहुत बहुत बधाई हो। गुड़िया आई है घर में। मासी की गोदी में नहीं आना। बोले बाप। अरे कितनी प्यारी है। एकदम चीजू पर गई है। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।